देशातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। धुळे शहरामध्ये गेल्या कित्येक महिन्यापासून घंटागाडी बंद असल्यामुळे शहरात ठिकठिकाणी गाणीचे व कचऱ्याचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे रोगराईला देखील नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे। अशा परिस्थितीमध्ये वार्ड क्रमांक 12 येथील नगरसेवक अमीन पटेल यांनी या संदर्भात पालिका प्रशासनाला पर्यायी मार्ग अवलंबून लवकरात लवकर कचऱ्याचा प्रश्न मार्गी लावावा अशी विनंती केली आहे, अन्यथा पुढील काही दिवसात पालिका प्रशासनातर्फे या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली गेली नाही तर महानगरपालिकेच्या कार्यालयाबाहेर परिसरातील नागरिकांसह आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी दिला आहे। अमीन पटेल, वार्ड नंबर 12। आज करीबन 8 से 10 महीने से धुलिया शहर के अंदर कचरे के हालात बहुत खराब है। जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है, नगर सेवकों के ऊपर रोष में, और लोगों को डेंगू मलेरिया जैसे ऐसे आजार हो रहे हैं। हम लोगों ने कई बार महासभा में लड़ा, स्टैंडिंग में लड़ा। जो कचरे के ठेके के ऊपर स्ट्रे लगा था वो स्ट्रे हट चुका है। कचरे की कंपनी से हमारी मीटिंग भी स्थायी समिति वालों की, मगर 1 तारीख या 2 तारीख से वो काम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले जनता परेशान है, उससे पहले कम से कम महानगर पालिका ने पर्यायी व्यवस्था करना चाहिए। कुछ गाड़ियों की बैटरी चोरी हो गई है, कुछ गाड़ियां कंपनी में लगी हुई है, ट्रैक्टर नहीं है, डीजल नहीं मिल रहा है। पूरे शहर के अंदर आज ट्रैक्टर और घंटा गाड़ी बंद है, और ये बहुत बुरे हालात है पूरे शहर के अंदर। हम लोगों को जमा करके नागरिक बुलाए, हम लोगों को कचरा जलाना पड़ा। ये कंडीशन आज जो है हमारे प्रभाग की और शहर की हो चुकी है। कम से कम महानगर पालिका ने पर्याय व्यवस्था करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो है आज यहाँ से 10-15 दिन है जो कचरे का ठेकेदार है वो 1 या 2 तारीख से चालू होने वाला है। 2-3 दिन में अगर पर्याय व्यवस्था नहीं होती है तो हम जो है हमारे प्रभाग के नागरिक को लेकर जाके महानगर पालिका में बैठा देंगे।